आप देख रहे हैं नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार, आप टीडी न्यूज पर बिहार नीति देख रहे हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपको कुढ़नी उपचुनाव के बारे में अपडेट करेंगे। दरअसल नेताओं का राजनीतिक भविष्य तय करेगा कुढ़नी उपचुनाव। जी हाँ, आपको बता दें कि कुढ़नी विधानसभा चुनाव के नतीजे मैदान में उतरे उम्मीदवारों का भविष्य जरूर तय करेगा। भाजपा और जदयू उम्मीदवारों की हार पार्टी में कम करेगा कद, आगे के लिए बंद हो सकते हैं रास्ते। छोटे दल के उम्मीदवारों का बेहतर प्रदर्शन उनके लिए खोल सकता है बड़ी पार्टियों का दरवाजा। कुढ़नी विधानसभा चुनाव के नतीजे से राज्य में सरकार की स्थिति पर कोई असर नहीं डालेगा, मगर मैदान में उतरे उम्मीदवारों का भविष्य जरूर तय करेगा। राजनीतिक दलों की प्रतिष्ठा के साथ उम्मीदवारों का कद पार्टी में कमजोर या मजबूत होगा। बड़े दल के जीत दर्ज करने वाले उम्मीदवारों की वर्ष 2025 के विधानसभा आम चुनाव में दावेदारी मजबूत हो जाएगी, वहीं हार पर पार्टी में उसका कद ही कम नहीं होगा, आगे के लिए रास्ते भी बंद होते जाएंगे। वहीं छोटे दल के उम्मीदवारों का बेहतर प्रदर्शन हार के बाद भी बड़ी पार्टियों का दरवाजा खोल सकता है। 7 साल बाद आमने सामने हो रहे भाजपा उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता और जदयू प्रत्याशी मनोज कुमार सिंह उर्फ मनोज कुशवाहा के लिए यह चुनाव दोधारी तलवार है। उपचुनाव भले ही एक मौका है, मगर इसमें रिस्क भी कम नहीं। 2015 के चुनाव में पराजित हो चुके मनोज कुशवाहा के लिए राजद ने अपनी सिटिंग सीट खाली की है। अगर वह जीत दर्ज नहीं कर पाते हैं तो अगले चुनाव में सीट पर राजद का दावा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि उनके लिए सीट छोड़ने पर राजद के दावेदारी में नाराजगी दिख चुकी है। सीट गंवाने वाले राजद के निर्ववर्तमान विधायक डॉक्टर अनिल सहनी पहले ही नाराजगी दर्ज करा चुके हैं। वहीं सहनी के एक और नेता शेखर सहनी राजद छोड़ने दलीय मैदान में हैं। ऐसे में राजद अपने अधिक नेताओं की नाराजगी मोल नहीं लेगा। वहीं जदयू भी हार की स्थिति में नए विकल्प पर विचार करेगा। पार्टी के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष अबोध कुमार भाजपा में शामिल हो गए हैं। वहीं जीत की स्थिति में निश्चित रूप से उनका दावा मजबूत होगा। कमोबेश यही स्थिति केदार गुप्ता के लिए भी है। उन्हें उपचुनाव में भाजपा ने कई नेताओं पर तरजीह दी। बसावन भगत और कई युवा चेहरे टिकट के दावेदार माने जा रहे हैं। पिछले चुनाव में कम वोटों के अंतर से हार को देखते हुए पार्टी ने उन पर भरोसा किया है। जीत के साथ ही 2025 चुनाव का टिकट भी वह फाइनल कर लेंगे। हार की स्थिति में पार्टी में ही विरोध के स्वर मजबूत होंगे। उनके घर में ही टिकट की दावेदारी चल रही है। इसके अलावा भाजपा अपने आधार वोट को मजबूत करने के लिए भूमिहार उम्मीदवार पर अगले चुनाव में दाव खेलेगी। ऐसा इसलिए कि कुढ़नी के साथ बोचहा, कांटी और मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा सीट के लिए भूमिहार के वोट महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब बात छोटे दल के प्रत्याशियों की। पिछले विधानसभा आम चुनाव में नामांकन रद्द होने से बाहर हुए नीलाव कुमार VIP से मैदान में है। उनका प्रदर्शन दूसरे दल की नजर खींचेगी। विधानसभा क्षेत्र में लोकप्रिय विधायक रहे साधु शरण शाही के परिणाती होने से उनकी मजबूत रणनीति पृष्ठभूमि है। इसके अलावा राजद से बागी हुए शेखर सहनी को खुद को साबित करना होगा। अगर वह अपनी जाति के वोट में सेंधमारी कर पाए तो उनकी पहचान कायम रहेगी। मनरेगा मजदूरों की लड़ाई से राजनीति के मैदान में आए संजय कुमार उर्फ संजय सहनी फिर निर्दलीय ही मैदान में हैं। पिछले चुनाव में 4,802 वोट लेकर चौथे नंबर पर थे। इस वोट में इजाफा कर पाए तो दलों का ध्यान उनकी ओर जरूर आएगा। ऐसे उम्मीदवार के लिए हार के बाद भी यह उपचुनाव आगे के लिए शुभ संकेत हो सकता है। तो तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और आप देखते रहें टीडी न्यूज़। नमस्कार।